हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर मजीशियन को और राइट हैंड साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। हेलो गाइस, मेरा नाम उत्कर्ष है और आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी कार्ड की मैजिक ट्रिक लाया हूँ जिसे देख के आप जरूर इम्प्रेस हो जाएंगे और किसी और को भी दिखा के इम्प्रेस कर सकते हैं। ये कार्ड ट्रिक बहुत अच्छी है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप समझ भी जाएंगे कैसे करना है। वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब भी मैं वीडियोस ऐसे ही डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले और आप ऐसे ही मैजिक ट्रिक सीख सकें। तो चलिए पहले परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद इसी वीडियो में ट्यूटोरियल। तो गाइस, यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास डेक है पूरा कंप्लीट। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे के सारे कार्ड्स अलग हैं, देख लीजिए सारे के सारे अलग हैं। ठीक है, कोई भी कार्ड सेम नहीं है और सब शफल्ड भी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कार्ड्स को एक नॉर्मल शफल दे देता हूँ, एक भी शफल दे देता हूँ बहुत है। ठीक है, और अब क्या करूंगा, मैं 20 से एक कार्ड निकालता हूँ, देख लीजिए नॉर्मल कोई भी एक रैंडम कार्ड। सपोज मैंने ये ले लिया 20 से, ये कार्ड मुझे नहीं पता और मैं देखूंगा भी नहीं ट्रिक में, आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। आप इस कार्ड को देख के और याद रख लीजिएगा, मैं नहीं देखने वाला हूँ। ठीक है, आपने याद कर लिया होगा और देख भी लिया होगा। अब मैं क्या करूंगा, इस कार्ड को डेक के कहीं भी बीच में, सपोज यहाँ पे बीच में मैं डाल दूंगा। ठीक है, डेक के बीच में, और कार्ड्स को कुछ ऐसे कट दे देता हूँ कि एकदम ये बीच में जाए, और एक लास्ट शफल जिससे ये कार्ड कम्प्लीटली बीचों बीच चले जाए। अब क्या करता हूँ, मैं इस डेक को यहाँ पे रख देता हूँ अंदर कि कार्ड इसमें चले जाएं। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका कार्ड डेक के बीच में है और ये बाहर आने वाला है अपने आप, मैं कुछ नहीं करने वाला, बस देखिएगा ये मैजिकल पावर से होने वाला है, देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे एक कार्ड ऊपर आ रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये अपने आप एक कोई कार्ड आ रहा है, देखते रहिए और ऊपर आएगा ये, और यहाँ पे देख लीजिए ये आ गया। यहाँ पे आप देख लीजिए ये आप ही का कार्ड होगा, जहाँ तक मुझे लगता है ये आप ही का कार्ड है जो मैंने अब तक नहीं देखा था। और यहाँ पे आप देख लीजिए सारे के सारे अलग हैं। तो यही थी वो मैजिक ट्रिक, आपको पसंद आई होगी और आप इसको किसी के सामने भी कर सकते हैं। तो आप वीडियो आगे देखिए, मैं बताऊंगा ये मैंने कैसे किया। तो गाइज, आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और वीडियो को यहाँ पे लाइक भी करिएगा। अब मैं बताता हूँ ये मैंने कैसे किया। तो इसके लिए आपको एक नॉर्मल डेक चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक बॉक्स भी चाहिए। कार्ड बॉक्स होता है जो आप डेक खरीदते हैं तो उसके साथ मिलता है, और या तो आप इस तरफ या तो इस तरफ कहीं भी एक तरफ ऐसे कट कर लीजिए कि आपकी उंगली इसमें बस ऐसे सेट हो सके। मैं आगे बताऊंगा इसका क्या काम है। ठीक है, आप बस इसको कट कर लीजिए और आप ट्रिक कुछ ऐसे स्टार्ट करिएगा। मान लीजिए आप ऐसे हैं, आपने पॉकेट से डेक निकाला, आप सामने से ऐसे दिखाइए, इसको ओपन करिए और ऐसे निकाल के उल्टा करके रख दीजिए कि वो जो आपने कट किया है वो दिखे ना। अब आप ट्रिक पे आइए, यहाँ पे आप दिखा दीजिए स्पेक्टेटर को कि सारे कार्ड डिफरेंट हैं। ठीक है, सारे के सारे डिफरेंट है, उन्हें दिखा दीजिए और एक शफल दे दीजिएगा नॉर्मली। ठीक है, एक शफल दे दीजिए, आप उन्हें भी दे सकते हैं, वो भी शफल कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक कोई कार्ड निकलवाना है उनसे, सपोज उन्होंने ये निकाल लिया और आप इस कार्ड को देखने नहीं वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इस केस में यहाँ पे ये टू ऑफ हार्ट्स है, आप उन्हें देखने ले दीजिए, उन्हें साइन करना है वो साइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, टू ऑफ हार्ट्स जो है या उनका जो कार्ड है, आप उन्हें बोलिए कि मैं इसको बीच में डालने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे, और डालते वक्त आप थोड़ा सा इसको दबा के डालेंगे तो ये कार्ड यहाँ पे उठ जाएगा ऐसे, और आप यहाँ पे अपने उंगली से ब्रेक बना सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे हल्का सा ब्रेक बन जाएगा। इसके बाद सामने से ये ब्रेक एकदम नहीं पता चलेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ब्रेक है, सामने से नहीं पता चलेगा। और यहाँ से क्या करिए, थोड़ा थोड़ा कार्ड ऐसे करके कट करते जाइए और लास्ट में आके आप पूरा उठा के ऐसे रख दीजिए, और यहाँ पे उनका कार्ड है ऐसे रख दीजिए। इससे क्या होगा, उनका कार्ड ऊपर आ जाएगा। ये कार्ड कंट्रोल बहुत अच्छा है, आप किसी भी ट्रिक में इसको यूज़ कर सकते हैं। बीच में डालेंगे और कट करने के बाद ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो एक ये वाला भी शफल दे सकते हैं, लेकिन लास्ट में ये ऊपर ही रहने दीजिएगा। इससे क्या होगा, उनका कार्ड जो है ऊपर ही रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है, आप डेक को दे दीजिए ऐसे, और क्या करिए, इसको ऐसे उठा लीजिए और डेक को उल्टा करके यहाँ से ऐसे डाल देना है कुछ इस तरह, तो उन्हें सामने से नहीं दिखने वाला है। इसके बाद क्या करना है, आप मान लीजिए ऐसे कुछ पकड़े हैं डेक को, सामने से आप ऐसे पकड़ेंगे, पीछे से ये है, आपको अपने थंब से बस इस कट के यहाँ से ऐसे धीरे धीरे कार्ड को उठाना है। अगर आप सामने से जब उठाएंगे और अपने इस हाथ से ऐसे कुछ ऐसे करते रहिए जिससे ये बहुत अच्छा लगेगा, तो ये ऐसे ऐसे लगेगा कार्ड ऊपर आ रहा है, देख लीजिए उनका कार्ड ही आएगा, उल्टे तरफ है इसलिए उनके तरफ फेस आएगा। यहाँ से आप उठाते जाइए यहाँ तक जहाँ आपका आ जाए, बस उठा के ऐसे रख दीजिए और उनका कार्ड निकाल दीजिए। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप तुरंत इस डेक को निकाल के और दिखा दीजिएगा और बॉक्स रख दीजिएगा कि बॉक्स पे उनका सोचने का भी कोई आइडिया ना बने। आप ऐसे फिर उनको पूरे कार्ड दिखा दीजिएगा तो वो बॉक्स वॉक्स के बारे में कुछ सोचेंगे भी नहीं, और आप इससे मैजिक ट्रिक कहीं भी कर सकते हैं।
कोई पीछे खड़ा हो तो उसके सामने मत करिएगा, पीछे से सब दिख जाएगा, आगे जितने लोग भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ट्रिक काम करेगी। थैंक यू गाइस, आपको पसंद आई होगी, आप सीख भी गए होंगे, सीखें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी। थैंक यू।